आज के बाद मैं आपको मेरे दफ्तर में कभी देखना नहीं चाहता हूं, और ना ही चाहता हूं कि आप मेरे इन बही खातों के गिर्द गिर्द भेजाओ, समझे? आप जैसे आदमी का क्या भरोसा? दबाओ जाओ यहां से। जैसे आप कहे सेठ जी, मेरी निर्दोषिता साबित करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई सबूत है इस समय, इसलिए जा रहा हूं यहां से। लेकिन अगर कहीं भगवान है तो एक दिन आपको जरूर सच्चाई का पता चलेगा। तो हिसाब किताब है। यही तो देकर गया था मैं आनंद बाबू को। ये मेरी लिखाई है सेठ जी। तो पूरे साल का हिसाब किताब है और 16 आना सही भी है। मुझे एक बात बताइए काका, आपने पूरे साल का हिसाब क्यों दुरुस्त किया? मुझे तो बस इसी महीने का हिसाब चाहिए था। आनंद बाबू ने कहा था कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो जाने से पहले मुझे पूरे साल का काम करना होगा। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। गलती? इसे तुम गलती कहते हो आनंद? आज तुम्हारे कारण एक सच्चे नेक ईमानदार और मेहनती इंसान की नौकरी जा रही थी,
तुम्हारे पास आने वाला एक नया काम हमारे हाथों से निकल रहा था। बस हो गया आनंद, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त कर रहा हूं। नहीं सेठ जी, क्षमा कर दीजिए काका, काका आप मुझे माफ कर दीजिए काका, काका मुझे एहसास हुआ कि किसी की नौकरी जाना कैसा होता है, क्षमा कर दीजिए काका। सेठ जी, अनंत बाबू को माफ कर दीजिए, उनके घर में भी बाल बच्चे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी दुश्मन को भी उस निराशा, उस मायूसी को महसूस करना पड़े जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। नौकरी जाने के बाद मुझे ये सूझ ही नहीं रहा था कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। सीखिए, सीखिए इनसे कुछ, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कराना बहुत जरूरी है। आज से तुम्हें काका महाजनी के हाथ के नीचे काम करना होगा। और कुछ नैतिकता भी सीखो, अपने काम में भी और अपने जीवन में भी। आज से हमारे इस दफ्तर के नए मुनिम जी होंगे काका महाजनी। काका, आपने अपनी छुट्टी के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे विश्वास है कि आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। अब मुझे निश्चित रूप से वो निविदा भी मिलेगी। अब आप जाइए काका, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए। जाते जाते ये पैसे भी ले लीजिए। शिक्षे? नहीं, कोई एहसान नहीं है, ये पारिश्रमिक है जो ज्यादा वक्त आपने काम किया उसका, ले लीजिए। शुक्रिया सेठ जी। काका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं चाहता था कि आप यहां आए शिरडी में, और मैं यह भी नहीं चाहता कि आप द्वारका माई में कदम रखें। अब जाइए यहां से। साई बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते, और उनकी बात मान लेने से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ काका। आप अब तक यही हैं, मैंने कहा था ना शिरडी से जाइए। अब समझा मुझे डांट टपट के शिरडी से बंबई भेजने के पीछे यह राज था साई का। धन्य है आप साईं, अब तो मेरी आस्था और बढ़ गई, मेरा विश्वास और बढ़ गया कि आप ही मेरे दयाराम को ठीक करेंगे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों
का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। बच्चों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कोशिश करते रहो। मदद करें। नहीं, साईं ने कहा है उसे खुद कोशिश करनी है। ठीक ठीक दिए बनाया है ना। हाँ ये ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ इसे बाद दूसरे दियो के साथ सूखने के लिए रख दो। अरे ये क्या किया, सारे दिए तोड़ दिए। कितनी मेहनत से बनाए थे, थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए था ना। अब फिर से बनाने पड़ेंगे। हाँ दो दिन में जन्माष्टमी है, द्वारका माई को हम दियो से पूरा भरना चाहते थे, अब कैसे पूरा होगा। बच्चों हाथ धोकर मेरे पास आओ। बैठो। दया तुम भी यहां।
को दोष मत दो दया। दयाराम, तुम्हारी मंशा अच्छी थी, मैं जानता हूं। बच्चों, दयाराम केवल तुम्हारी मदद करना चाहता था। और मैंने क्या सिखाया था तुम लोगों को? कि हमें हमेशा दूसरों के इरादे देखने चाहिए, उसकी भावना देखनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम खाना जमीन पर फेंकें तो क्या ये ठीक है? नहीं साई, बिल्कुल नहीं, भोजन बर्बाद करना नहीं चाहिए। अन्न का अपमान है। भगवान जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अगर हम खाना जमीन पर पशु पक्षियों को खिलाने के लिए फेंकें तो? नहीं साई, वो तो हम किसी की मदद करने के लिए जमीन पर डाल रहे हैं। ये इनका अपमान थोड़ी हुआ, ये तो हम अच्छे काम के लिए खाना जमीन पर डाल रहे हैं। हाँ, चींटियाँ और पशु पक्षियों की मदद करने के लिए, इसलिए ये गलत नहीं है। हम समझ गए साई। दयाराम, घबराओ नहीं, कोशिश करते रहो और तब तक करते रहो जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। कौन जाने द्वारका माई जन्माष्टमी पर इस बार तुम्हारे ही बनाए दियों से रोशन हो। ये चोर क्या? काका, आपने चोरी की है? नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। असल में ये गाड़ीवान है, बैलगाड़ी लेकर शिरडी आ रहा था तो मेरे समधी जी ने इस पे भरोसा करके इसके हाथों एक पोटली में पैसे भिजवाए थे। और जब मुझे इसने पोटली दी तो देखो क्या है इसके अंदर। तुकाराम ने मुझे ये पोटली देकर मुझे मूर्ख बनाया है। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैंने पोटली समय पर देख ली। झूठ है ये, मैं अपनी आई की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अरे मैंने तो पोटली खोलकर भी नहीं देखी। मूर्ख समझा है हमें। लेकिन ये अपनी आई की कसम झूठी क्यों खाएंगे? चोरों की कसम सब झूठी होती है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ऐसा करते हैं, हम साई के पास चलते हैं। ठीक है। देखा साई का करिश्मा, तुम चाहती थी ना कि मुझे तरक्की मिले, तो लो मेरी पदोन्नति हो गई। मेरा अब मैं मुनीम हूं अपने दफ्तर का। लेकिन मैं तो आपको मना ही कर रही थी जाने से। अगर आप नहीं भी चाहते
तो भी ये तो होना ही था। मीरा तुम समझ नहीं रही हो, मेरे यहाँ न होने के कारण ही आनंद बाबू ने उनकी गलतियों का सारा दोष मुझ पर डाल दिया और सेठ जी की नजर में मुझे गलत साबित कर दिया। अगर मैं यहाँ होता तो आनंद बाबू ये सब कुछ नहीं कर पाते और ना ही सेठ जी उनका झूठ पकड़कर मेरी मेहनत का, मेरी निष्ठा का प्रमाण देख पाते। सच कहूं मेरा, उन वही कांटों का समय पर मिलना ही साई का चमत्कार है। मेरा, तुम अभी भी साई पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि इससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे अपने बेटे की है। आप जाइए और मेरे दयाराम को वापस ले आइए, पता नहीं वो वहां किस हाल में होगा। नहीं मेरा, अब मुझे दयाराम की बिल्कुल चिंता नहीं है, वो साई के शरण में है, वहां उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आप जाइए और दयाराम को वापस ले आइए, पता नहीं वो वहां किस हाल में होगा। नहीं मीरा, अब मुझे दयाराम की बिल्कुल चिंता नहीं है, वो साई के शरण में है, वहां उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मीरा, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन इस बार हम दोनों जाएंगे शिरडी, इसी बहाने तुम अपनी आंखों से साई की महिमा भी देख लोगी। और सासू माँ? मेरा, मेरे काका का बेटा है सुबोध, वो आजकल घर पर ही रहता है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मैं उसे कहूंगा कि यहाँ आकर पढ़े, साथ साथ आई की भी देखभाल होगी। आखिर आई उसकी भी तो काकी है, है ना? साई, आप बस यही पता लगाइए कि इस आदमी ने पैसे कहाँ छिपाए हैं। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत शक्ति है, यही कारण है कि हम आपके पास आए हैं। साई, अगर मुझे पता होता कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं इन लोगों से मार क्यों खाता? जो पैसे मैंने लिए ही नहीं, वो मैं इन्हें कहाँ से लौटाऊं? साई, मुझे जो कुछ दिया गया था, मैंने वैसे के वैसे इन्हें सौंप दिया। क्या आप इसे आज शाम तक की मोहलत दे सकते हैं? अगर आज शाम तक ही आपके पैसे वापस ना लौटाए, तो आप इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है साईं, जब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अगर इसने शाम तक पैसे नहीं लौटाए तो हम दरोगा को कह देंगे। इसके घर का पता हमारे पास है, भागने नहीं देंगे इसे। जरूर, अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो भुगतना तो इसे पड़ेगा ही। ठीक है साईं, चलो। साईं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा? तुम्हें संगम नेर पता है? हाँ, पता है साईं। तो आओ मेरे साथ। ये पौधा देख रहे हो? ये पौधा तात्या मेरे लिए संगम नेर से लाया था, और मैं ऐसे ही फूलों से इस जन्माष्टमी पर द्वारका माई को सजाना चाहता हूं। पर मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा है, क्या तुम ऐसे ही कुछ फूल मेरे लिए संगम नेर से ला सकते हो? साईं, आपको फूल चाहिए? अगर शाम तक मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो दरोगा मुझे पकड़ कर ले जाएगा। साईं, सबूरी, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, और हां, दिल भी। काका, ये साई है साई, शायद आप इन्हें नहीं जानते, पर जैसे आप मुझ पर भरोसा रखकर यहाँ आए हैं, वैसे आप इन पर भी भरोसा रखिए।
अगर ये कुछ कह रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी ही भलाई है। आप इनकी बात मानिए, ये सब ठीक कर देंगे। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। मीरा ताई, मीरा ताई, आइए ना कमला ताई। घाघरा चोली तैयार है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। बहुत सुंदर काम किया है। जन्माष्टमी के दिन मैं अपनी बेटी को पहनाऊंगी इसे। काका, आप दोनों मियां बीवी के हाथ में सच में जादू है। आपकी चित्रकारी और मीरा ताई की सिलाई बुनाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि दही हांडी के दिन आपकी चित्रकारी के बिना जन्माष्टमी की पूजा भी अधूरी है। जानते हैं काका, आपके इनकार करने के बाद हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हांडी को सजा सके। अगर एक दिन बाद चले जाते तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती क्या? हर साल आप ही तो दही हांडी सजाते हैं, तो इस हिसाब से वो आप ही के हिस्से का काम हुआ ना, और आप अपना काम अधूरा छोड़ गए। ये लीजिए। ठीक है मेरा ताई, कमला ताई सही कह रहे थी। मैं अपनी आस्था और अपने स्वार्थ में इतना खो गया था कि जो काम मैं इतने बरसों से प्रथा के तौर पर कर रहा था उसे नजरअंदाज किया, और इसी वजह से कई लोगों का दिल भी दुखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मीरा, तुम सबसे कह दो कि वो अपनी अपनी हंडियां लेकर आए। मैं आज रात को ही सभी हंडियों को सजा दूंगा, और उसके बाद कल हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम। आंखें खुली रखना, उससे क्या हो जाएगा? ऐसे सड़क चलते वो पोटली थोड़ी ना दिख जाएगी पैसों की। और तो और, साई ने ये क्यों कहा कि अपना दिल खुला रखना? क्या मतलब है साई की बातों का? ऐसे ही उलझन में था मैं, साई ने और उलझा दिया। ये कैसा न्याय है? गाड़ीवान, मेरे भाई के घर शादी है और यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बहुत देर से किसी गाड़ी की तलाश कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे भाई के घर पहुंचा दोगे? अभी भी दो कोस दूर है, मैं वहां चल के नहीं जा पाऊंगा। आइए बैठिए। ये लो, रख लो। धन्यवाद। सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष है,
अगर पैसे नहीं मिले तो कारोबार जाना पड़ेगा मुझे। झिपरी ने कहा था साईं सब ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद पे मैं साईं के लिए वो फूल लेने संगमनेर जा रहा हूँ। हे भगवान, उस लड़की के विश्वास को सच साबित कर दे। सिक्के वो भी इतने सारे, इतना सारा धन। मैं इस धन से उस आदमी के पैसे लौटा सकता हूं और शेष अपने पास रख लूंगा। मेरी मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। मैं अपने आई का इलाज भी कर पाऊंगा। शायद ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए। शायद साईं ने मुझे इसीलिए इस रास्ते से भेजा होगा। लेकिन वो तो फकीर है, महात्मा है। ऐसे सज्जन पुरुष क्या किसी के अमानत लेने को कहेंगे? नहीं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार भगवान की इच्छा की व्याख्या कर रहा हूं। ये सही नहीं है। मैं सुबह से सबसे कह रहा हूं कि मैं चोर नहीं हूं और शाम को कारागार जाने के डर से मैं चोरी करूंगा। नहीं, मुझे पैसे लौटाने होंगे। उसके बाद मेरे नसीब में जो कुछ लिखा होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं ये धन मेरी भतीजी की शादी के लिए था। अगर आप वापस नहीं आते तो इतने कम समय में इतनी नकदी की व्यवस्था करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होता। तुकाराम, तुकाराम, वो रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके खोए हुए पैसे नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं तुकाराम, एक भूल हो गई मेरे बेटे से। उसने गलती से मेरी पत्नी के कांच के गहने रखने वाली पोटली उठा ली और तुम्हें दे दी। जब मुझे पता चला तो वही बताने के लिए मैं इनके पास आया। तब पता चला कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है। तुकाराम, मैंने तुम्हें बहुत मारा पीटा, तुम्हें काल कोठरी में डालने की धमकी दी, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब मुझे झिपरी से पता चला कि तुम संगम नेर की तरफ चले गए हो तो हम लोग तुम्हें ढूंढने निकल पड़े और पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। ये रख लीजिए हमारी तरफ से क्षतिपूर्ति समझकर। हमें माफ कर दीजिएगा। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, उसके बावजूद भी तुमने मेरे पैसे वापस कर दिए। धन्य हो तुम। ये लो, तुम जैसे सच्चे सहनशील और ईमानदार व्यक्ति की जितनी मदद करूं वो कम है। भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आइएगा।
मामा मामा वो देखिए, आज इस पर पहली बार फूल आया है और वो भी कितने सारे। साई, आप सब जानते थे ना, तभी तो आपने मुझे उस जगह भेजा था। मेरे गरीबी के दिन मिट गए साई। ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। नहीं तुकाराम जी, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने सही रास्ता चुना, अपने दिल को खुला रखा, अपने अंतर मन की बात सुनी। ये लीजिए ऊदी, इसे अपनी मां को दीजिएगा, उन्हें आराम मिलेगा। और हां तुकाराम जी, इस बार सभी शिरडी वासियों ने एक साथ जन्माष्टमी मनाने का निर्णय लिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी वहां आए। जी साई। अच्छे कर्म किए जाए तो राम जी भला करें। सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। थोड़ा तो खाना खा लो बेटा। मुझे नहीं खाना, मुझे लिए बनाना है। दयाराम, देखो तुमने पूरे दिन तो दिए बनाए हैं ना, अब जब साई के पास वापस जाओगे तब दिए बना लेना। अभी थोड़ा खाना खा। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे लिए बनाना है। दयाराम, दयाराम नहीं, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी पसंद का खाना है, एक बार चक्कर तो देखो। मुझे दिए बनाना है। अरे कल दिए बना लेना वापस, लेकिन अभी थोड़ा खाना खा लो ना। सुनो दयाराम, मेरे को अभी दिए बनाना है। आहो अब क्या करें, इसे बहलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। अगर काका महाजनिया होते तो वो बताते कि इसे कैसे फुसलाया जाता है। पार्वती, मुझे लगता है कि अब साई इसे मना सकते हैं, वही इसकी जिद को शांत कर सकते हैं। आओ दयाराम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, दयाराम कब से एक ही जिद पकड़ के बैठा हुआ है, किसे दिए बनाने हैं। वो सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। आओ दयाराम, दिए बनाओ। आ 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
तुम दिए बना सकते हो दयाराम, बस खुद पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गा, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय, धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए। साई ये सारे दिए मैंने बनाए हैं।